मौलाना मसूद अजहर को एक करारा जवाब जो है वो भारतीय सेना ने दिया है। और वायु सेना जहां पर कहीं ना कहीं कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी तो सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, इस तरह से सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि करारा जवाब दिया जाएगा। और तमाम देशवासियों की जो नजरें हैं प्रधानमंत्री पर हैं और उस प्रधानमंत्री पर जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा कदम लिया था। और अब जो है मौलाना मसूद अजहर पर एक बड़ी कार्रवाई भी की, क्योंकि जो आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में मौजूद है उनको ध्वस्त किया गया। इसी मसले पर आज यहाँ पर जश्न का माहौल है। और साफ तौर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर तस्वीर है और उनको जो है कहा जा रहा है कि आपने एक बड़ी कार्रवाई की और बड़ा कदम उठाया। तो बात करेंगे सर से। सर क्या कहेंगे मौलाना मसूद अजहर को एक करारा जवाब? हाउ द अजहर इज, अजहर कैसा महसूस कर रहा है? 330 के बाद अजहर का हाल क्या है? ये उसका एक रिश्तेदार जो मारा गया, 350 और मारे गए। ये अजहर को हाउ द अजहर इज हिंदुस्तानी ये पूछने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वादे को अभी थोड़ा सा पूरा किया है। लोगों की आशाएं बढ़ गई हैं, लोग चाहते हैं, अरे एक बार हुआ तो क्या हुआ, चार पांच बार हो, पाकिस्तान नस्ते नबूत हो जाए, उसके बाद अजहर को पूछे, उठा करके हिंदुस्तान लाया जाए और यहाँ पर आकर के उसको जैसे जैसे अमरीका ने लाडेन को पकड़ करके लाया था, वैसे प्रधानमंत्री भी इसको पकड़ करके लाए। और यहाँ के जो इधर पार वाले, एक औरत जो पागल हो गई है, जो कहती है तिरंगा झंडा कौन उठाएगा, आज उसको मैं पूछ रहा हूँ, सुनाओ तिरंगा झंडा ये सबने उठा करके रखा हुआ है, बड़े बड़े तिरंगे झंडे। लेकिन एक ही बात कहूँगा, इस तरह से तुम्हारी डफली बजने वाली नहीं है। हिंदुस्तान मातरम, मातरम। एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो बांटने की बात है, मैं बुब्बा मुफ्ती, इज़ान की आवाज़, मंदिर की घंटी और गुरुद्वारे से जो वाहेगुरु जी का शब्द है वो हम सब इकट्ठा होकर के यहाँ बोलने का प्रयास करना चाहते हैं। तेरी कोई सोच हमको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को तोड़ नहीं सकती। तो बिल्कुल इमरान खान के कहने पर इशारे पर नाच रही है। मोदी जी एक सर्जिकल स्ट्राइक उधर करी है, एक सर्जिकल स्ट्राइक श्रीनगर में, अपने पॉइंट पर करो, जिसको पता चले तिरंगा झंडा उठाने वाले कितने हैं तभी उसको शर्माने वाली। यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई थी तो बहुत हल्ला हुआ था, लेकिन अब मीरवाइज उमर फारूक के वहां पर भी कहीं ना कहीं रेड पड़ी और क्लैशेस, पत्थरबाजी फिर से शुरू हो गई। आखिरकार हो क्या रहा है कश्मीर? कुछ नहीं हो रहा जी, उनको सबको पकड़ करके तिहाड़ जेल बंद करेंगे, वो बाहर ही नहीं आएंगे। अब उनका टाइम ओवर। 111.2 करोड़ रुपया हिंदुस्तान ने खर्चना बंद कर दिया, 70 साल हम वेस्ट कर रहे थे, अब खत्म हो गया। 1000 गाड़ियाँ, खाना पीना बढ़िया, गुस्ताबे खाने, और अब हिंदुस्तान के विरोध के अंदर बोलना अब नहीं होगा। अब उन सबको पकड़ करके तैयार जेल बंद कर। मानते हैं कि कांग्रेस को भी एक बड़ा जवाब है, जो सवाल उठा रही थी कि पुलवामा टेरर अटैक कैसे हुआ, किस तरह से क्या कमियां रही, और आज प्रधानमंत्री पर नजरें, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया और बताया कि जो मेरी छवि है विश्व में, अगर मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस मजबूत करने के लिए कहा जाता है, एक वर्ल्ड का एक लीडर माना जाता है, तो वो छवि मैं बरकरार रखूंगा, हिंदुस्तान के लिए कड़े कदम उठाऊंगा जिससे हमारे देश की सुरक्षा कायम रहे। आज हम कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करें, हम हिंदुस्तान और आर्मी की बात करें। मैं समझता हूँ आपस के अंदर बट करके ऐसे प्रश्न पूछने का आपको भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इस समय सिर्फ एक प्रधानमंत्री, आर्मी और एयरफोर्स और निशाना मसूद अजहर, इमरान खान और एक जो वहाँ का विदेश मंत्री, चूड़ियाँ नहीं खड़केंगी, चिड़ियाँ नहीं चलेंगी। अब क्या हुआ, अब हाउ द अजहर इज, अब अजहर कैसा है, उसकी चिड़ियाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही, ये जब अजहर को पकड़ करके लाएंगे फिर विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताएंगे। रिलेशन अभी भी हो रहा है काना चक में और अरे आज कर दिया ना मैम, आज हमने अपना कर दिया, अब उसको आप जो मर्जी नाम दो। बौखलाहट दिख रही है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हमारे कदम से। ये मुझे लगता है वो जो बॉर्डर खाली हुआ है और क्या है, मुझे एक मौका और दो, इससे सब कुछ नजर आ रहा है आपको, और क्या देखना चाहती है हिंदुस्तान के अंदर जो हाउ द जैश इज, अब बड़ा जैश आ रहा है, और जैश कैसा है ये लोगों ने बता दिया और प्रधानमंत्री ने बताया। महबूबा मुफ्ती कहती है कि 35A के साथ छेड़छाड़ की तो कहीं ना कहीं तिरंगा नहीं। महबूबा मुफ्ती के अगले दर्शन आप तिहाड़ जेल में करेंगी, अब वहीं जाकर के उसका इंटरव्यू लेना। धन्यवाद। आपका साफ तौर पर कहना था कि देश के जो खिलाफ जो भी तत्व आएंगे उनको कहीं ना कहीं नेस्तो नाबूद जो है वो किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो है साफ तौर पर एक प्रदर्शन किया गया था, और आपको ये भी बता दें
हैं कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने जो 1000 किलो जो बम है वहां पर गिराए हैं और 3 जो आतंकी ठिकाने बहावलपुर के बाद जो था वो 3 आतंकी ठिकाने जहां से आतंकवाद पनप रहा था उनको नेस्त नाबूद किया और बड़ी कामयाबी। और देशवासी जो है आज गर्व महसूस कर रहे हैं भारतीय वायुसेना पे और देशवासी जो है वो चाहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया तो शुक्रिया भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको सामने दिखा दूं, हिंदुस्तान का तिरंगा लिए हुए तमाम देशवासी आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उड़ी हमले के बाद भी कहीं ना कहीं नज़रें प्रधानमंत्री पर थी और प्रधानमंत्री से ये कहा गया था कि अब आप किस तरह का कड़ा कदम जो है उठाएंगे, तो वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। लेकिन अभी के मैं हालात बता दूं तो जिस समय पुलवामा टेरर अटैक हुआ था एक आतंकी जिसका नाम आदिल अहमद डार था, जैश मोहम्मद से जो ताल्लुक़ रखता था और जैश मोहम्मद पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है, तो पुलवामा का जब हमला हुआ था तमाम देशवासी आक्रोशित थे और रोष में रहते हुए बार बार नज़रें जो दी वो प्रधानमंत्री पर थी। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना था कि हिसाब तो लिया जाएगा और हिसाब आज ले लिया है, पाकिस्तान से हिसाब ले लिया है, करारा जवाब दे दिया गया है, जैश मोहम्मद से ले लिया गया है। हालाँकि हड़कंप जो है वो पाकिस्तान में मच चुका है और पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि जिस तरह जनरल बिपिन सिंह रावत जी ने भी कहा था कि 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है और आज सुबह 3:30 बजे कुछ बड़ा हुआ। जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था तब हमारी वायुसेना के जो मिराज 2000 विमान थे वो वहाँ पर उन्होंने बमबारी की और वहाँ पर 250 से लेकर 300 आतंकवादियों को नेस्तोनाबूद कर दिया। उन आतंकवादियों को नेस्तोनाबूद कर दिया जो हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं खतरा थे। हालांकि अभी जो है पूरा देश जो है श्रद्धांजलि भी दे रहा है वीर जवानों को और गर्व भी महसूस कर रहा है और कह रहा है कि अब जो है पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि ये नया भारत है जो चुप रहने वाला नहीं है, जवाब तो मिलेगा और इससे भी बड़ा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा, मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि शांति तब तक होती है जब सामने से शांति का कोई प्रस्ताव आए, जब सामने से उस तरह का कोई माहौल बने, जब हमारे जवानों को मारा जाएगा, हमारे नागरिकों को मारा जाएगा, तब कहीं ना कहीं चुप्पी हम भी नहीं साधेंगे। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सुरक्षा बलों को मैं कहता हूँ कि समय आप निर्धारित कीजिए, तरीका आप निर्धारित कीजिए और देखिए किस तरह से बदला लिया जाए उन वीर जवानों की शहादत का जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए शहादत दे दी। तमाम आंखें गमगीन है लेकिन गर्वान्वित भी महसूस करिए। कल आपको मैं बता दूं हम डीएसपी अमन ठाकुर के अंतिम विदाई के भी आपको दर्शन करवाए थे, वहां पर भी हम आपको लेकर गए थे, वहां पर भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। तमाम देशवासी वहां पर भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और उन तमाम वीर जवानों को हमारे भी भावभीनी श्रद्धांजलि जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए शहादत दी। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।